ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे इस भाईचारे त्यौहार के लिए? जी, मेरा नाम शाहिन यूसुफ है, मैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग करता हूँ अमृतसर कॉलेज ऑफ नर्सिंग में। तो ये जो ईद है, ये खुशी का माहौल होता है, खुशी का दिन होता है। तो ये काफ़ी मेहनत करने के बाद, क्योंकि हर हमने पहले इसके पहले हमने एक मंथ तक रोज़े रखने पड़ते हैं, फास्टिंग जिसे हम कहते हैं। तो रोज़े का मतलब है जितनी भी बुराइयां हैं उनसे दूर रहना, यानी बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं देखना, आँखों का रोज़ा, कानों का रोज़ा, बुरा नहीं सुनना, हाथों के रोज़ा बुरा नहीं करना। तो जितनी भी बुराई चीज़ें हैं उनसे दूर रहना, उसको हम कहते हैं रोज़े। उसमें और एक चीज़, मेन चीज़ आता है कि ऊपर वाले ने हमें हुक्म दिया है कि आपको इस महीने में जो खाना है, यानी नफ़स है, नफ़स को हमें कंट्रोल करना है। जब हम नफ़स को कंट्रोल करेंगे तभी हम जो शैतान है उसे हम मुक्ति मांगे वो ले सकते हैं, नजात ले सकते हैं। तो कंटिन्यूसली खुद को कंट्रोल में रखना एक महीने तक, इट इज़ नॉट ए जोक। तो उस महीने के बाद, सख्ती के बाद, जो कंट्रोल के बाद हमें एक खुशी का दिन आता है, उसको हम कहते हैं ईद। तो आज हमें भी काफ़ी खुशी है, काफ़ी मसरत है, क्योंकि हमने एक कंटिन्यूसली हम एक महीने तक रोज़े में हमने रखे हैं। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि आज काफ़ी खुशी का दिन है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, मेरे दोस्तों के लिए भी। और मैं सभी देखने वालों, सुनने वालों को तहे दिल से ईद उल फितर की ईद मुबारक करता हूँ। आज मुस्लिम भाईचारे वास्ते बहुत बड़ा दिन है, ईद उल फितर की नमाज अदा की सब ने। तो मैं इतने अपने इस सारे भाईचारे को बहुत बहुत मुबारक देना, मुबारक देना आया तो सबन मिलया मैं, क्योंकि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता वा, सब प्यार ना रहन, भाईचारे ना रहन, खुश रहन, तरक्की करन, हर को तरक्की का मौका मिले। तो प्यार जड़ा वा, हर धर्म जड़ा प्यार सिखाता, सत्कार सिखाता, एक दूजे का दुख सुख दे विच अपना शामिल होना सिखाता। तो अज मैं खुशी का मौका, तो अज सब शामिल होना है, सब नू एक वारी फिर ईद उल फितर दी बहुत बहुत मुबारक आशीर्वाद। अल्लाह ताला दे अगे अरदास की कि साडा भाईचारा तरक्की करे, आपसी प्यार बने, सब का सत्कार हो, अमृतसर तरक्की करे। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्यार मिल, बहुत ही ज़्यादा मुस्लिम भाईचारे ने बहुत प्यार। हाँ।